पिछली बात यहाँ तक पहुँची, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं पता था मुझे। किसी में कोई कमी है तो वो करके दिखाना पड़ता है, तभी लोग समझते हैं। बस मैंने भी वही किया है, समझी? अपनी मर्दानगी साबित की है। मालिक, ये सब क्या कर रहे थे आप? समझ में आ रहा है आपको? उसकी जिंदगी बर्बाद करके मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तो क्या खुद को मार डालना चाहते हैं आप? मुझे खुद से नफरत हो रही है, क्योंकि मैंने जो किया वो तो गुनाह ही है ना। जो होना था वो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको आपकी गलती सुधारनी ही है तो उस लड़की को अपने घर ले आइए, दूसरा रास्ता ही क्या है। मालकिन, छोटी मालकिन की हालत तो देखिए, हफ्ते भर से पागलों की तरह चिल्लाए जा रही हैं। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर। वो सब मुझ पे छोड़ दो, कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। डॉक्टर, इस बच्चे को गिराने का जिक्र मेहरबानी करके किसी को मत कीजिएगा, प्लीज। इसीलिए तो दवाई अपने पास से दे रहा हूँ, इसे बस वक्त पे खाती रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जरा ध्यान दिया करो अपने ऊपर। जब तक मैं हूँ चिंता नहीं है। आपका शुक्रिया डॉक्टर। उसकी जरूरत नहीं है मैडम, मैं तो इसी के लिए हूँ। नेक्स्ट। जाओ। हाँ,
की डिग्री ले रखी है। बच्चा तो गिरा नहीं, सिर्फ फर्जी का कोट पहन रखा है। अरे कोट कहाँ, अरे कोट तो पीछे है। मजाक कर रहे हो? देखिए देखिए गलत बात है, ठीक नहीं है। ये देखो मेरा पेट भी बाहर आने लगा है, कैसे डॉक्टर हो तुम? बच्चा गिरा या नहीं ये जानने में 5 महीने लग गए। अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो, अरे अरे मेरी दवाइयाँ, अरे वो बहुत महंगी दवाइयाँ, बर्बाद मत करो। अरे पुलिस पुलिस, अरे पुलिस से बचाओ, जिंदगी बर्बाद हो गई। देख रही हैं, आपकी लड़की तो मेरी जान ही ले लेती, मेरी तो इज्जत ही उतार दी इसने। अरे अब रो के क्या मिलेगा, कोई कुछ भी कर ले होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अब ऊपर वाला चाहता है कि बच्चा हो तो होने दो ना। वैसे करने को तो मैं भी कुछ कर सकता था, लेकिन क्या है कि उससे इसकी जान को खतरा हो जाता। मेरे साथ ऐसा करके तुम्हें क्या मिला डॉक्टर? अरे तुम मर जाती तो मैं जेल चला जाता, यहाँ मरीजों को कौन देखता भाई। तुम्हें पता ये हॉस्पिटल बनाने में मुझे कितना वक्त लगा है, अभी वसूली बाकी है। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिसको आना है उसको कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। डॉक्टर होने की वजह से मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना, आपका फ्रेंड होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उम्मीद करिए कि बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका शुक्रिया डॉक्टर। उसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट। अरे रे। लाइए माँ जी, इसे मुझे दीजिए, ये तो मेरा खून है। इस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ यही मेरा है, मुझे दे दीजिए ना। आपकी बेटी तो मुझे कभी नहीं अपनाने वाली, और मैं भी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता माँ जी। इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करूंगा, मेरी माँ होती तो आप इनकार नहीं करती ना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ जी, दे दीजिए। लो बेटा। बस तुम्हें अपनी गोद में लेकर मैं और रामू इस शहर में आ गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसके बाद मैंने कभी तुम्हारी माँ को नहीं देखा, मेरी माँ के साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मैंने खो दिया। और आज मेरे जीने की वजह अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, जो बेइज्जती मैंने सही है बेटा, उस दर्द का सामना तुझे ना करना पड़े, इसलिए मैंने अपाहिज होने का नाटक किया, ताकि मेरे जैसी आदतें तुझ में ना आए। बस ऐसी ही जिंदगी पिछले 25 सालों से मैं गुजार रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही बेटा, ताकि तू बड़ा होकर एक बेहतर जिंदगी गुजारे, तेरे ऊपर कोई बुरा साया ना आए बेटा। इसलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन तेरी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कौन कर रहा है, और वो तेरे जैसा क्यों है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा।